नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रुति चांद और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। चलिए बढ़ते हैं आज के खास समाचार की तरफ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव की माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव महोदया की अध्यक्षता में आज दिनांक 21 जुलाई को शाम 4 बजे जिला अस्पताल महिला सभागृह तहसील सदर उन्नाव में गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 प्रसव पूर्व निदान तकनीक दुरुपयोग का विनियमन और रोकथाम संशोधन अधिनियम 2002 तथा सर्वाइकल कैंसर के संबंध में श्री मनीष निगम अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में श्रीमती अल्पना सक्सेना अपर जिला जज कोर्ट संख्या, श्रीमती पूनम अपर जिला जज एफटीसी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीमती प्रीति सिंह, महिला कल्याण विभाग डॉक्टर निधि रिसोर्स पर्सन, जनसाहस एनजीओ अंशिका शुक्ला एवं आशा बहुएं एवं अन्य महिलाएं तथा श्री शिव बिहारी वाजपेयी, राहुल श्रीवास्तव, अमित गुप्ता उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव महोदया ने सर्वाइकल कैंसर के बारे में विस्तार से बताया एवं कहा कि महिलाओं को अपनी पर्सनल साफ सफाई के बारे में ध्यान रखना चाहिए। लड़कियों एवं महिलाओं को अपनी शर्म और झिझक को त्याग कर कोई भी परेशानी हो तो डॉक्टर से परामर्श समय से लेते रहना चाहिए। इसके अलावा माननीय महोदया ने गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि अगर कोई किसी भी गर्भवती महिला का जबरदस्ती लिंग जांच करवाता है तो पीड़ित महिलाएं न्यायालय में आ सकती है। उक्त कार्यक्रम में श्रीमती अल्पना सक्सेना ने अपने विचार व्यक्त करते हुए आशा बहुओं को कहा कि वो घर घर जाकर महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी एवं महिला संबंधी कानूनों एवं अधिनियमों के बारे में विस्तार से बताएं, वे जानकारी दें एवं उनको जागरूक करें। उक्त कार्यक्रम में श्रीमती पूनम ने PCPNDT अधिनियम 1994 के बारे में बताया और कहा कि लिंग की जांच करवाना कानूनी अपराध है, जो डॉक्टर अगर ये लिंग जांच करते हुए पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है तथा 10,000 का जुर्माना से भी दंडित किया जाता है। उक्त कार्यक्रम में श्री मनीष निगम सचिव महोदय ने महिला से संबंधित सारे विधिक अधिकारों एवं निःशुल्क कानूनी सहायता मध्यस्थता के बारे में आधार पर वैवाहिक वाद के निस्तारण के बारे में बताया। उक्त कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन डॉक्टर निधि ने सर्वाइकल कैंसर, अंडाशय कैंसर के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि हर वर्ष 3 लाख महिलाएं इन कैंसर का शिकार होती हैं। उक्त कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन अंशिका शुक्ला ने महिला स्वास्थ्य सर्वाइकल कैंसर के बारे में विस्तार से बताया तथा अंशिका शुक्ला द्वारा जनसाहा संस्था के बारे में एवं उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव द्वारा महिला अधिकारी से संबंधित पैम्पलेट्स, पोस्टर एवं प्रचार किट भारी संख्या में वितरित किए गए। आरपीएस समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट। जल्द मिलेगी किसी और समाचार के साथ, तब तक देखते रहिए आरपीएस समाचार और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। नमस्कार।